गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। एंड टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर नंबर फाइव। ओके, आप सभी को मालूम है कि अपना जो है ना सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि आपको अभी रिवाइज करवाऊंगी, रिविजन स्टार्ट करवा रही हूँ। तो मैं रिविजन के अंदर सबसे पहले मैं बायोलॉजी ले रही हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर मैं चैप्टर कौन सा ले रही हूँ, द फंडामेंटल। यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तो आपको मालूम है कि इसके अंदर हमने ना क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल के बारे में। तो सेल का आपको मालूम है, सेल क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटली होती है ना, जिसके अंदर जो सेल है हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो सेल को किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जो सेल है वो क्या होती है, सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मालूम ही है क्या होते हैं, जो क्या कर सके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सके, रेस्पिरेशन ले सके, सांस ले सके, ठीक है, या जो रेस्पिरेशन कर ले सके, फूड इंटेक कर सके, मूवमेंट कर सके, वो सारे के सारे किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए रहते हैं, सेल से बने हुए रहते हैं। और सेल को किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है। अगर हम आगे पढ़े, जो सेल है वो थ्री टाइप से बनी हुई रहती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल होती है ये ना तीन चीजों से बनी हुई रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, किसी भी चीज को अंदर बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है। वो चीज क्या होती है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं अपन इसे, दूसरा नाम, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो जो लिक्विड टाइप का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, वो आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्मा। और नेक्स्ट जो सेंटर के अंदर होता है वो आपका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अपन सेल की स्टडी कर रहे हैं, सेल को रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल थ्री टाइप से बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड द साइटोप्लाज्म। अब अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो कुछ मैंने रफली बनाया है ताकि अगर एक एक हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। लेकिन उससे पहले समझ लो थ्री टाइप्स के है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब इनके बारे में और अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, सारे के सारे किसमें प्रेजेंट हो रहे थे, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले मैं आपको लिख रही हूँ, आप साथ में नोट्स भी बनाते रहे, जो मैं जितनी भी चीजें लिखती जा रही हूँ आप ये सारी की सारी चीजों को साथ में लिखते जाएं, ठीक है। आपको बोरिंग ना लगे इसीलिए मैंने आपका बायोलॉजी का स्टार्ट किया है, बिकॉज योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। देन मैं फर्स्ट आपको सेल के बारे में बता रही थी, सेल के अंदर थ्री टाइप प्रेजेंट था, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने आप के अंदर। फर्स्ट मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेकंड साइटोप्लाज्मा एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ये लिखते रहना आप लोग, फिर इसको पढ़ना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। फिर आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको लिख रही हूँ, आप साथ में लिखते जाएं, फिर मैं आपको बता दूंगी। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है,
देखो इधर, ये आपको लिखते रहना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया कि जो आउटर कवरिंग होती है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब आउटर कवरिंग से आप समझ रहे हो कि एक तरह से वॉल की जैसे काम करेगी आपका, तो ये क्या करेगी, जितने भी जो सब्सटेंस है ना, जो है ना बाहर के एनवायरमेंट है, मतलब जो बाहर से जो भी सब्सटेंस आने वाले इसके अंदर, तो वो इसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, वो ये उसी को अंदर जाने देगी, अदरवाइज उनको जो अदर रहेंगे उनको ये क्या है अंदर जाने नहीं देगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्या बोल रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, कि जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं, जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को अंदर जाने देती है, और जो सिलेक्टिव होती है जिसे बाहर निकालना चाहती है ये उसी को बाहर निकालती है। ऐसे नहीं है किसी को भी अंदर जाने दे रही है और किसी को भी वहां से बाहर निकाल दी है, सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है और सिलेक्टिव चीजों को ही बाहर आने देती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको जो दूसरा नाम है इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये कुछ है ना सिलेक्टिव चीजें होती है उनको क्या होती है अंदर जाने देती है, और कुछ सिलेक्टिव चीजों को क्या है बाहर आने देती है, ठीक है। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन में से अंदर बाहर होते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में एक ना इम्पोर्टेंट लाइन आई है, वो क्या आई आपके डिफ्यूजन, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसके अंदर क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। जो क्या हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं ना, उसे अपन डिफ्यूजन बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का ही अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, हाई कंसंट्रेशन से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से जाती है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से जाने के बाद में ये है ना ये क्या करती है, लो कंसंट्रेशन से ये बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से जो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको समझ में आया कि जो आउटर कवरिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो आउटर कवरिंग है ना सेल, ये पूरी सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको अपन क्या बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ये क्या करती है कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है, ये जो सिलेक्टिव है उसको अंदर जाने देगी, और जो सिलेक्टिव इसके लिए जो सही नहीं है उसको क्या है ये बाहर आने देगी, ठीक है ना। तो ये ना जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको अंदर जाने देती है, और जो इसके लिए नहीं होता उसे बाहर निकाल देती है। तो ये अपनी जरूरत के हिसाब से काम करती है, इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे अपन। और जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है उसे अपन क्या बोल रहे हैं डिफ्यूजन, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये सारा लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में, फिर अपन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, ठीक है। अपन ने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है,
अब आता है नेक्स्ट, आपको आता है सेल वॉल। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तीनों चीजें समझाना चाहूंगी ताकि आपका नया टॉपिक से आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि सेल वॉल कहाँ से आ गए यहाँ पर। आप फिर इसको रीडिंग करना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और उसी टाइम पर लर्न हो जाए। मैंने ये इतना ही लिखा है जबकि आपका और भी ज्यादा है, क्योंकि इसी में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा, ठीक है। बाकी आपको बुक के अंदर से लिखना है। अब नेक्स्ट वन क्या आता है आपका, साइटोप्लाज्मा, ठीक है ना। अगर मैं साइटोप्लाज्मा की बात करूँ तो इसके अंदर मैंने आपको बता के रखा है जो फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली है आपके, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड तो आप जानते ही हो, लिक्विड टाइप का जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। जो ना फ्लूइड है, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस जो प्रेजेंट हो रहा है, लिक्विड टाइप का जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको अपन साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये साइटोप्लाज्मा है इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, मैंने आपको पहले ही बताया था ये तीन चीज तो क्या है, जनरल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस, ठीक है, ये तो प्रेजेंट होते ही है सबके अंदर। लेकिन इसके अलावा साइटोप्लाज्मा है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं तो हर एक जो सेल ऑर्गेनल्स होता है ना वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक फंक्शन मतलब उनका एक काम होता है, एक स्पेशल तरह का काम होता है। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होते हैं, मतलब हर एक सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे ना, ये जो आपका साइटोप्लाज्मा है इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ये सेल ऑर्गेनल्स होंगे ना, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, उनके पास में क्या होगी, एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स के पास में एक स्पेशल टाइप की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जो कि वो क्या करेगी, जितना भी उस सेल ऑर्गेनल्स है उसके अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको भी वो क्या करेगी, बाउंड करके रखेगी। उन सब के बारे में एक एक पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक तो इतना ही ध्यान करो कि जो साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इधर कि ना दो चीजें आती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक टाइप की सेल। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको इनके बारे में, लेकिन मैं दोबारा बताना ज्यादा सही समझूंगी। देखो प्रोकैरियोटिक टाइप की क्या मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक
मतलब ही समझ रहे हो, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप की, प्रिमिटिव जो क्या है पहले टाइप की है, क्या है प्रिमिटिव टाइप की। कैरियन मतलब क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ठीक है ना, मैंने जल्दी में लिखा है तो आप है ना स्पेलिंग को समझ लेना ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब तो है, प्रो मतलब तो क्या बेटा क्या होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस की क्या हो रहा है पहले के टाइप का जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है उस टाइप के न्यूक्लियस को अपन क्या बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स। पूरा समझाऊंगी लेकिन वैसे तो आप इतना ही समझो, प्रो मतलब तो क्या होता है प्रिमिटिव, कैरियोन्स मतलब क्या होता है न्यूक्लियस की क्या हो रहा है प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस होता है ना जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स ठीक है ना। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना ये ना ऐसे एनिमल्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हर एक चीज क्या है पूरी तरीके से डेवलप नहीं है ठीक है। जैसे इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडिंग सेल ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन जो ना ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो क्या करते हैं मेम्ब्रेन को पकड़ के रखते हैं वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते ना ही इनके अंदर। अगर यूकेरियोटिक की बात करें तो ये आज के टाइप का है, इसके अंदर क्या होते हैं हर एक चीज अच्छे से होती है ठीक है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस ही पूरी तरीके से फाइंड आउट होता है और पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है ठीक है। न्यूक्लियर रीजन भी पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होता है पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है ठीक है। ये ऐसे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्या है डेवलप्ड है और साथ में कोई क्या है मल्टी सेलुलर जो एनिमल है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है ठीक है। देखो समझने वाली बात इधर ही आती है, अपन आगे भी पढ़ेंगे लेकिन पहले ये समझो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप का पढ़ रहे हैं। प्रो जो कि क्या है जो ना मतलब प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स और इसके अंदर न्यूक्लियस भी क्या है पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं होता और इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन भी पूरी तरीके से मतलब ना डेवलप नहीं होता ना इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड जो मेम्ब्रेन को पकड़ जो से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो क्या करता है जो ना मेम्ब्रेन इसके प्रेजेंट होती है और वो मेम्ब्रेन को अच्छे से बाउंड करके रखता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। यूकेरियोटिक की बात करें यूकेरियोटिक ऐसे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है जो क्या है पूरी तरीके से डेवलप्ड है, वो एनिमल्स जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है मल्टी सेलुलर हो मल्टी सेलुलर और एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यूकेरियोट्स प्रेजेंट होता है मतलब जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है न्यूक्लियर रीजन हो चाहे हर एक तरह के इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है। और अभी अब अभी एक चीज आई आपकी मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, आपको मालूम है जो यूनिसेलुलर मतलब क्या है कि जो क्या एक ही तरह की सेल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर एक ही एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर ठीक है। अभी हम कल पढ़ेंगे इसके आगे का, आपको ये लिखना है सारा का सारा और फिर लिखने के बाद में रीडिंग करना है।